हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन्स, अब ये देखिए, हाइड्रोकार्बन्स इज मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन मॉलिक्यूल्स। यानी हाइड्रोकार्बन से बना होता है वह हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ये जो बना होता है इट इज मेड अप हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यानी हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स मिलकर जो है वह हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो आपका आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपका यहां पे आए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसको हम लोग एल्केन भी कह सकते हैं। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है एल्केन। यानी एल्केन, ये एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n+2, इसमें जो होता है एन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी एन इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये जो होता है एन जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी इसमें कार्बनों की वो संख्या होती है जितना हमको लेना होता है। क्योंकि ये जो होता है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए पहला इसका अगर हम लेते हैं एन इक्वल टू वन, अगर एन इक्वल टू वन लेते हैं तो C1H2 × 1+2 दैट इज इसको लिख सकते हैं CH4, जिसको हम लोग कहते हैं मिथेन। यानी मिथेन इसका पहला होता है मिथेन, सेकंड जो होता है इथेन, यानी मिथेन एन इथेन, थर्ड आपका होता है प्रोपेन, फोर्थ आपका होता है ये ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब देखिए ये जो आपका मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, यानी एच सी जो है इसमें सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा होता है, जिसमें हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये, यानी ये फोर हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन के वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है, जबकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। यानी इसके एक इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, और ये अपना ऑर्बिट को क्या करता है, इस प्रकार वो अपना ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। उसी प्रकार अगर इसका हम लिखते हैं इथेन का, ये हो गया आपका CH4 C2H6, इसका हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा, यानी एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी ये, यानी हाइड्रोजन ये 6 और ये आपका कार्बन 2 एटम्स, ये हो गया इथेन। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग प्रोपेन को भी लिख सकते हैं और ब्यूटेन को भी लिख सकते हैं। इसमें आपका इथेन मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नियन और डेकेन। इसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, तो लिख सकते हैं पॉज करके, पॉज करके लिख सकते हैं। और कुछ अब ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल वन डबल वन सॉरी
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड होता है, जिसमें आपको पहला जो होता है इसका एल्कीन, एल्कीन इसका जो जनरल फॉर्मूला आपका होता है CnH2n। ये सेकंड आपका होता है एल्काइन, एल्काइन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स के यानी दो कार्बन के बीच यानी दो कार्बन एटम्स के बीच इसमें डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये इस प्रकार जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि इसमें जो होता है C2H2N2 यानी ये हो गया आपका CH2H4 यानी ये आपका हो गया इथिन। पहला जो आपका हो गया इथिन, ये पहला हो गया इथिन आपका, सेकंड हो जाएगा ब्यूटीन, थर्ड हो जाएगा पेंटीन। इसी प्रकार अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं ये आपका हो जाएगा C3H2 × 3 C3H6। अब आपका देखिए एल्काइन, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है यहां CnH2n-2। अगर इसमें कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच जो होता है ये यानी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, लेट अस सपोज द Cn यानी C अगर इसमें यह मॉलिक्यूल्स कार्बन मॉलिक्यूल्स को अगर हम 2 लेते हैं इसमें क्या हो सकता है C2H2 × 2 − 2 यानी C2H2 यानी ये आपका जो बन जाएगा C H यानी इस प्रकार ये क्या करते हैं अपना ऑस्टक को पूरा कर लेते हैं। अगर इसी प्रकार इसको हम लोग लिखते हैं C3H2 × 3 − 2 यानी ये आपका हो जाएगा C3H4। अब देखिए C3H4 C C ट्रिपल वन। अब ये देखिए इसका सबसे पहला चीज क्या है कि इसमें आपको ऑर्बिट भी देखना है कि वो अपना वैलेंसी के साथ अपना ऑर्बिट भी पूरा कर रहा है कि नहीं। ये वन एक कार्बन, एक कार्बन, 1 2 3 4 यानी 8 इसका वैलेंसी हो गया 1 2 3 4 और ये जो आपका हो जाएगा C3H4 अब देखिए आपको हम बताने जा रहे हैं C3H4 यानी C3H4 C C C। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है कि ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। यहाँ अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ एक हाइड्रोजन एटम यानी ये जो अपना चारों मिलकर क्या करता है अपना ऑर्बिट को पूरा करता है, ये अपना ऑर्बिट को इस प्रकार पूरा कर लेता है।